नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है दोस्तों LED, यानी LED क्या है दोस्तों? हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं इसको हम? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। फुल फॉर्म आते तो क्या होता है दोस्तों? लाइट एमिटिंग डायोड होता है, किसी प्रकार का क्या होता है हमारा LCD भी होता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसको बोलते हैं। फुल फॉर्म आपको सबकी याद होनी चाहिए। तो लाइट एमिटिंग डायोड भाई क्या करता है? हमारे एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? PN जंक्शन डायोड होता है, जो फोर्ड बायस की अवस्था में दोस्तों क्या करता है? प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है। यानी फोर्ड बायस की कंडीशन में क्या करता है हमारा? प्रकाश का उत्सर्जन करता है हमारा ये, यानी एमिट ऑफ लाइट करता है। किसकी? एक प्रकार क्या होता है? PN जंक्शन डायोड ही होता है जो फोर्ड बायस कंडीशन में दोस्तों क्या करता है? एमिट ऑफ लाइट, लाइट को क्या करता है आपका? एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। फोर्ड बायस कंडीशन में क्या करता है हमारा? एमिट ऑफ लाइट। एंड लाइट को क्या करता है दोस्तों? हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर्म, इलेक्ट्रॉन लाइट की फॉर्म में उसको उत्सर्जित कर देता है, एमिट ऑफ लाइट करता है। बात करते हैं सिंबल की, तो ये होता है दोस्तों हमारा LED का सिंबल होता है ये। इधर एनोडी होगा, पी टाइप बोल सकते हैं, एन टाइप बोल सकते हैं, एनोड कैथोड बोल सकते हैं। और ये जो एरो होता है दोस्तों, ये क्या करता है हमारा? लाइट को क्या कर रहा है हमारा? एमिट कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या होगा दोस्तों हमारा LED का आपका क्या होता है? सिंबल होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? आपका सिंबल हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड का। और क्या करता है आपका? फोर्ड बायस की कंडीशन में आपका एमिट करता है किसको? लाइट को उत्सर्जित करता है। अब बात करते हैं इसको बनाने के लिए दोस्तों, सिलिकॉन व जर्मेनियम का अधिकांश उपयोग इसमें नहीं करते जनरली, ठीक है ना। यानी इसको बनाने के लिए सिलिकॉन व जर्मेनियम का इस्तेमाल ना करके हम इसमें 3 मीटर का क्या करते हैं दोस्तों? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। 3 मीटर का क्या करेंगे इसमें आपका इस्तेमाल करते हैं? पहला दोस्तों जो होता है इसमें आपका, इसमें हम तो यूज़ करते हैं आपका, आपका आर्सेनिक यूज़ कर सकते हैं, फास्फोरस यूज़ कर सकते हैं, और आपका गैलियम, ठीक है ना, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसमें दोस्तों कौन कौन, लिख देता हूँ मैं आपका। एक हम यूज़ करते हैं दोस्तों आपका गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं आपका? आर्सेनिक यूज़ करते हैं, और खाली गैलियम लिख देता हूँ। गैलियम आर्सेनाइड टाइप में आ जाएगा जब उस कलर बनाएंगे, तब उसको मिलाना पड़ेगा, तो इसको कलर में रखेंगे। आर्सेनिक यूज़ करते हैं, गैलियम आपका यूज़ करते हैं, और आपका क्या यूज़ करते हैं? फास्फोरस। यानी ये जो 3 मेटल है दोस्तों आपका इस्तेमाल करते हैं, और इन तीनों को मिलाकर हम आपका डिफरेंट कलर की LED को क्या करते हैं? बना देते हैं, ठीक है ना। यानी इनको यूज़ करके क्या करते हैं? डिफरेंट कलर की LED का जो रंग बिरंगी हमारी LEDs होती हैं, इनको ही मिलाकर आपस में मिक्सचर करके आप डिफरेंट कलर आपको उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है LED? एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपको क्या करता है? लाइट को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्सर्जित करता है, लाइट का एमिट ऑफ लाइट करता है। सिंबल ये हो जाएगा इसका। और इसको बनाने के लिए दोस्तों 3 सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ ना कर, इसके अलग लाइक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड गैलीलियम, या गैलियम आपको यूज़ करते हैं। अब इनको आप आपस में मिलाकर दोस्तों आपका डिफरेंट कलर आप बना सकते हैं। बात करते हैं फॉर एग्जांपल, व्हेन LEDs मैन्युफैक्चर यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड, अगर क्या यूज़ करते हैं आपका गैलियम, आपको यूज़ करता हूँ दोस्तों मैं गैलियम आर्सेनाइड का, मैं क्या करता हूँ दोस्तों इसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। क्या यूज़ करता हूँ दोस्तों आपका? गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ करता हूँ, तो मेरे को कौन सा कलर मिलेगा लाइट का, ठीक है ना। अगर मैं यूज़ करता हूँ गैलियम आर्सेनाइड, तो मेरे को मिलेगा दोस्तों आपका, इसमें मिल जाएगा जनरली हमारा रेड कलर मिल जाएगा, ठीक है ना। कौन सा कलर मिल जाएगा दोस्तों मेरा? आपका रेड कलर मिलेगा। यानी ये गैलियम आर्सेनाइड कौन सा कलर देगी मेरे को? आपका रेड लाइट। क्या देती है दोस्तों हमारे को? ये रेड लाइट देती है। इसी प्रकार से अगर मैं आपका यूज़ करूँ दोस्तों आपका गैलियम फॉस्फाइड, अगर यूज़ करूँगा, कौन सा यूज़ करूँगा? गैलियम आपका फॉस्फाइड अगर मैं यूज़ करूँगा, तो ये जो देगा दोस्तों मेरे को ग्रीन कलर देगा। ये कौन सा कलर देगा मेरे को? ग्रीन कलर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं, डिफरेंट ऐप के मटेरियल को मिलाकर आपस में इसमें रंग बिरंगे LEDs को बना सकते हैं। गैलियम आर्सेनाइड रेड कलर देगी, गैलियम फॉस्फाइड में ग्रीन कलर देगी, और इसी प्रकार से अगर गैलियम आर्सेनाइड मिला दूंगा दोस्तों, तो ये रेड हो जाएगा, गैलियम फॉस्फाइड क्या हो जाएगा मेरा? ग्रीन कलर हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें दोस्तों मिलते हैं। और अगर इसमें गैलियम आर्सेनाइड के साथ में मिला दूँ, गैलियम आर्सेनाइड से फॉस्फाइड अगर मिला दूँ मैं जनरली हमारा, तो ये जो कलर देगा दोस्तों मेरे को ऑरेंज कलर मिल जाएगा, और येलो मिल जाएगा, एक ऑरेंज कलर मिल जाएगा और एक येलो कलर मिल जाएगा।
इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको कुछ डिफरेंट्स टाइप की एलईडीज दिख रही होंगी, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एलईडी आपकी किस कलर की होती है, ठीक है ना। रेड एलईडी जो होती है उसका वोल्टेज कितना होता है, ग्रीन एलईडी का वोल्टेज, ब्लू एलईडी का, तो जी डिफरेंट टाइप की जो आपको एलईडीज दिख रही हैं मैं आपको बताऊंगा आपने कि इसमें कितना आपको वोल्टेज होता है, ठीक है ना। तो उसका कितना वोल्टेज आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें एलईडी में आपका, तो इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा कि यह है क्या है, इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिवाइस है। क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिवाइस है जो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के कलर आपको देता है, ठीक है। और इसमें देखिए अब वर्किंग की बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो वर्किंग तो क्या करता है, एक नॉर्मल डायोड की तरह ही करता है। वर्किंग क्या करता है, एक नॉर्मल डायोड की तरह ही होती है कि जब पी टाइप का पॉजिटिव एन टू आप निगेटिव से कनेक्ट कर दोगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी जब जैसा आपका होता है फॉरवर्ड बायस में डायोड आपका होता है कि जब फॉरवर्ड कंडीशन में आप उसको लाओगे तभी क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करेगा या आपका एमिट करेगा, तब जाके में क्या देगा दोस्तों, प्रकाश हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं आपके, ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें कि किस किस मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड मिला के कौन सा कलर बन सकता है आपका, गैलियम फास्फेट मिला के कौन सा कलर बनेगा, गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट मिला देंगे तो आपका कौन सा कलर बन जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, इनको आपको याद रखना है इसका, और आपको मटेरियल इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं भाई इसमें आपका एलईडी में, कुछ और चीज़ें देखेंगे। इसकी विशेषताएं की बात करते हैं, बात करते हैं इसकी विशेषताएं की, जो कि बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है। ये सबको पता होता है भाई, एलईडी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एमिट करता है, यानी प्रकाश बनाता है, इलेक्ट्रिकल को किसमें बदल देता है भाई, आपकी एक प्रकाश के फॉर्म में आपका चेंज कर देता है। पर बात करते हैं इसकी कुछ विशेषता की बात करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं विशेषता, इसका फीचर्स बोल सकते हैं इसको, बात करते हैं इसके दोस्तों फीचर्स की। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत कम वोल्टेज, यह क्या होता है दोस्तों आपका लो वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज पे क्या करता है दोस्तों आपका ऑपरेट हो जाता है, ठीक है ना। यानी 1.5 वोल्ट लगभग मान लीजिए आप, बहुत लगभग 1.5 वोल्ट इसको लगभग मान लीजिए, अप्रोक्स मान लीजिए इसको, कम से कम 1.5 वोल्ट पर ही क्या हो जाता है दोस्तों, ऑपरेट हो जाता है आपका, कार्य करने लगता है। शक्ति व्यय क्या होता है, बहुत कम होता है। शक्ति व्यय क्या होता है इसका, बहुत कम होता है। यानी पावर लॉस की अगर मैं बात करूँ, उसके पावर लॉस की बात करूँ दोस्तों, किसमें आता है आपका, मिलीवाट में आता है। किस में आता है भाई आपका, मिलीवाट में इसका क्या आता है भाई, इसका पावर लॉस आता है। यानी जो शक्ति व्यय जो होता है किस में होता है, मिलीवाट में होता है, और लगभग लगभग आपका 1.5 वोल्ट के करीब ही क्या होता है दोस्तों आपका ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। और इसमें याद रखना है कट इन वोल्टेज, एक आती है इसमें कट इन वोल्टेज होती है दोस्तों आपकी, कट इन वोल्टेज, ठीक है ना। बात करता हूँ आपसे दोस्तों इसकी कट इन वोल्टेज की, जो कट इन वोल्टेज होती है दोस्तों वो 1.3 से 1.5 के मध्य होती है, ठीक है ना। कितनी होती है दोस्तों कट इन वोल्टेज आपकी, 1.3 से 1.5 वोल्ट के मध्य क्या होती है दोस्तों इसकी कट इन वोल्टेज हमारी होती है। और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होता है दोस्तों, माइक्रो सेकेंड का होता है, ठीक है। बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की, जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही कम समय में, आपने बटन दबाया, ऑन करा या कुछ भी करा तो एकदम से रिस्पॉन्स दे देता है। तो जिसका जो रिस्पॉन्स टाइम है आपका, रेस्पॉन्स टाइम की बात करूं तो क्या होता है आपका, माइक्रो सेकंड में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, वो भी आपका माइक्रो सेकंड में आपका होता है रिस्पॉन्स टाइम भी। ये क्या है, सारे आपके एलईडीज के क्या है आपके फीचर्स हैं, एलईडीज से क्या है आपके जो फीचर्स हैं, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपका इस कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्न मिलेंगे। या आपको जो मैं एलईडी के डिफरेंस कलर आपको बताऊंगा वो आपके कुछ इंटरव्यूज में दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कि आपका इतने अगर एलईडी है, वाइट एलईडी है, तो उसकी वोल्टेज कितना होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, माइक्रो सेकंड होता है। मजबूती यानी स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों उसके, और इसमें और ये इलेक्ट्रिक शॉक को सह सकती है जनरली हमारी, ज़्यादा इसमें कोई मगर सडनली चेंज वगैरह आएगा तो उसको चल जाता है। इसमें तापमान बढ़ने पर भी भली बातें कार्य कर सकती है, टेम्परेचर राइज होगा तो भी क्या कर सकती है आपका, यानी टेम्परेचर के राइज होने पर भी क्या करती है दोस्तों, वर्किंग कर सकती है। ये भी किस में आता है इसका, आपका फीचर में आता है। आपको पता है भाई, पहले आप फिलामेंट लैंप यूज़ करते थे तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते थे, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था भाई। अब आपके घर में एलईडी यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं हम सब, तो एलईडी वगैरह ज़्यादा हीट हुई नहीं होती, आपको पता है। तो टेम्परेचर पर भी इतना वर्चा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा हीट भी नहीं होती बल्कि, और अगर हीट भी टेम्परेचर का इतना इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, उसकी वर्किंग पर कोई भी प्रभाव उसकी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके तापमान जो रेंज होती है लगभग आपकी जो होती है, तापमान की जो रेंज होती है दोस्तों वो आपकी होती है 0 से 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी क्या होती है दोस्तों आपकी इसकी वर्किंग की टेम्परेचर की रेंज होती है, ठीक है ना। इसका तापमान की रेंज कितनी होगी आपकी, 0 से 75 डिग्री तक, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके बात करते हैं इसके उपयोग, इसकी यूजेस कहाँ करते हैं दोस्तों, इसका यूजेस इसका जो करते हैं आपका दोस्तों, यूज कई बार पूछे जाते हैं, इसके यूज़ बताना चाहूँगा मैं आपको,
ठीक है ना, यूज हम करेंगे इसका आपको दोस्तों, आपको प्रकाश नियंत्रण स्विच, नियंत्रण स्विच के रूप में कर सकते हैं, इंडिकेटर के यूज में यूज कर सकते हैं, और आपका जो मोस्ट होता है दोस्तों आपका, एक आपने देख सुना होगा आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपकी होती है, आपका जो कैलकुलेटर वगैरह होता है उस पर भी जैसे स्क्रीन होती है आपने देखा होगा दोस्तों, उससे आपने जो डिजिटल क्लॉक होती है आपने देखा होगा, आपका डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल जो भी जितने भी मीटर है आपके जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जिसमें यूज करते हैं आपने उसमें देखा होगा दोस्तों, आपका वन इस प्रकार से आता है, ये टू आ गया ऐसे, ये देखा होगा आपने ये 3 आ गया, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या आते हैं दोस्तों आपके डिजिट्स आते हैं, बहुत सारे आपके क्या आते हैं नंबर आते हैं, तो ये जो आपकी दोस्तों ये होती है डिजिट, ये यानी ये एक होती है, ये 7 डिस्प्ले होती है, क्या होती है 7 डिस्प्ले होती है, 7 से बनकर एक क्या बनता है आपका एक नंबर बनता है, अगर आप बात करो दोस्तों अगर 8 बनाएंगे इस प्रकार से तो ये देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 यानी इनके द्वारा एक नंबर क्या होता है दोस्तों आपका कंप्लीट होता है, क्या बनता है आपका पेयर कंप्लीट होता है, ठीक है ना, यानी इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों आपका एक नंबर क्या होता है कंप्लीट होता है इसके द्वारा, एलईडीज के द्वारा ही, ये आपकी एलईडीज होती है जिससे यूज करते हैं हमारा, किसी में 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनती है, आपने देखा होगा कितने नंबर होंगे, अगर आपका 8 बनेगा एक तो इस प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों इस प्रकार से 8 बना आता है इसमें, तो ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी इनके द्वारा क्या बना है दोस्तों हमारा एक एक नंबर तैयार होता है, एक में सिर आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा ये सारे हट जाएंगे भाई, और केवल ये हट जाएगा सारा, फिर एक रह जाएगा, 2 में ये हट जाएगा और इतना आ जाएगा, 3 में हमारा ये हट जाएगा भाई और 3 इस प्रकार से आ जाएगा, तो इस प्रकार से डिफरेंट नंबर्स हमारे बन जाते हैं, तो यूज़ की बात करना चाहूँगा, इसको रफ कर देते हैं और यूज़ इसके फिर लिख लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों ये आपको इसमें याद रखनी है एलईडी में, ठीक है, वर्किंग आपकी ऐसे होती है जैसा आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उस प्रकार से वर्किंग होगी, फॉरवर्ड कंडीशन में हमारा ऑपरेट हो जाता है, ठीक है, तो यूज़ करते हैं दोस्तों लाइट डिटेक्शन सिस्टम में करते हैं हमारा, पहला ये लिखते हैं आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपका यूज़ कर लिया हमने, ठीक है ना, 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले है आपका उसमें क्या कर लिया हमने इसको यूज़ करा है, और कहाँ यूज़ करते हैं एस पावर इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं आपका, पावर इंडिकेटर में भी, इंडिकेटर में क्या करते हैं आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, पावर के स्टोर क्या करेंगे दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट की गणना करने में, या लाइट डिटेक्शन सिस्टम, या क्या कर सकते हैं आपका लाइट डिटेक्शन सिस्टम, लाइट डिटेक्शन सिस्टम में भी क्या कर सकते हैं इसका आप दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, और आपकी जो डेकोरेशन वगैरह चीज़ें होती हैं आपकी माला वगैरह जो होती हैं आपकी उसमें क्या करते हैं डेकोरेशन सिस्टम में क्या करते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो लाइट डिटेक्शन सिस्टम में हमारा आ जाएगा सारा, और 7 सेगमेंट डिस्प्ले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है ना, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है दोस्तों हमारा, इसमें भी क्या करते हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे इसके बहुत सारे क्या होते हैं उपयोगी हो जाते हैं, ठीक है, तो इस वर्ष में आपको याद रखना है डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड भाई अब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगी तो क्या प्रकार डिस्प्ले बोर्ड है ना, तो वहाँ भी कर सकते हैं, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं आपका डिस्प्ले बोर्ड में भी क्या करते हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल वॉचेस वगैरह होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, ये डिजिटल वॉच हो गई और आपका कैलसी, तो डिफरेंट जगह दोस्तों क्या कर सकते हैं इनके इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको इसमें सबका आपका याद रखना है, ठीक है ना, तो ये होती है दोस्तों हमारी जनरली एलईडी, यानी ये होता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो में कोई भी किसी प्रकार का डाउट है या कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको आपको फिर से बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।